हम तो पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे। पवन सिंह को, आखिर पवन सिंह को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? नया उम्मीदवार हैं जी, इसके चलते। ऐसे तो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं लेकिन उम्मीदवार के चलते। मगर आप थोड़ा सा इधर भी देख रहे हैं, मोदी जी भी देख रहे हैं और इधर और आप पवन सिंह आप इधर भी इशारा कर रहे हैं, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, बड़े भाई हैं तो जैसे मैंने बड़े भाई दे रहे हैं मोदी जी को। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जी, मोदी जी ही रहे तो आप देंगे पवन सिंह को? हाँ, पवन ऐसा का। अच्छा, हम प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, उपेंद्र जी पर तो विश्वास ना है। विश्वास कहाँ रहेंगे, कहाँ जाते हैं? चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी पवन सिंह का काफिला गया, ठीक है, मगर आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? सपोर्ट तो हम लोग बीजेपी को देंगे, बीजेपी का। तो पवन सिंह को आप तो देखे, ठीक नेता है, बहुत अच्छे आदमी है जी जी, बहुत अच्छे गायक भी है जी जी, अभी इनकी प्रतिभा भी सुने हैं जी जी, हमको तो दिखाई भी नहीं दिए, भाग गए। अच्छा, जब मैंने भाग गए। हाँ भाग गए, नहीं रुके तो दौड़ घर से इली तो कहाँ रुके वो। अच्छा, निकल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप्यार। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊं कि कोलवा से होते हुए सोनवर्षा और सोनवर्षा होते हुए गोपुरा निकलना है और काफिल जो चल रहा है पवन सिंह का चल रहा है, मगर बीच में गांव में जहां जहां पवन सिंह रुक रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं उसी गांव में हम पीछे से रिपोर्टिंग करते हुए चल रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। कि आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव जो अभी हो रही है, तो लोकसभा चुनाव में तीन ऐसे जो दिग्गज नेता हैं जो खड़े हुए हैं, जो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा जी और उसके बाद आरजेडी से राजाराम जी और उसके बाद पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। और पवन सिंह आए हैं तो एक भूचाल बना हुआ है लोगों का जैसे कि कहना है, मगर यहाँ पर हमारे चाचा हैं खैनी बनाते हुए, जैसे कि गाँव में आप देखते होंगे। मगर मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ चाचा, कि आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? अभी पवन सिंह का काफिला गया, ठीक है, मगर आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? सपोर्ट तो हम लोग बीजेपी को देंगे, बीजेपी का। तो पवन सिंह को आप तो देखे, ठीक नेता है, बहुत अच्छे आदमी हैं जी जी, बहुत अच्छे गायक भी हैं जी जी, अभी इनकी प्रतिभा भी सुने हैं जी जी, हमको तो दिखाई भी नहीं दिए, भाग गए। अच्छा, जब मैंने भाग गए। हाँ भाग गए, नहीं रुके तो दौड़ घर से इली तो कहाँ रुके वो। अच्छा, निकल गए ना। अच्छा, तो नेता में कोई कमी नहीं है जी जी, लेकिन बात ऐसा है कि सिंबल यहाँ है, एक राष्ट्रीय अथी है जनता दल है या जो कहिए या महागठबंधन कहिए जी जी, एक तरफ एनडीए है, तो एनडीए में थोड़ा सा महसूस करते हैं हम लोग अच्छे इंसान से आते हैं, कमजोर वर्ग आते हैं, थोड़ा तो शांति में मिलता है। अच्छा, सुकून से सोते हैं, खाते हैं। सपोर्ट आप किसे करना चाहते हैं? अरे तो कहिए रहता आओ कैसे, मने सब नाम धरे के चीज है, सुकून मिलता है इनमें। अच्छा, शांति मिलता है, मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी को देंगे। और इनमें है कि जातिवाद और भड़काऊ भाषण नहीं है जी जी, सबका विकास करते हैं। हमरा भी 2 रुपया देते हैं तो गरीबों को 2 रुपया देते हैं जी जी, मुसलमानों को 2 रुपया मुसलमानों को भी नहीं काटते हैं जी जी, कोई योजना में बताइए मुसलमान को कहाँ काट दिए? उसका घर नहीं बन रहा है, उसका लड़का को पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, उसका नौकरी नहीं मिल रहा है, उसका फैक्ट्री नहीं खुल रहा है जी जी, सब समान दे रहे हैं, चाहे मियां हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। सुनिए ना, चाहे एक चीज और है कि लोग का जनता का कहना ये है कि पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जीत चुके थे मगर आपके काराकाट क्षेत्र में काम अच्छा नहीं किया है, उससे नाराज हैं लोग। अरे तब देखिए, योजना सब केंद्र से आता है जी जी, तो रोड बनाइए हर गांव में, जोड़ दीजिए जी जी, गाँव रोड जुट गया जी, बिजली से कॉन्टेक्ट कीजिए, बिजली से हो गया, बिजली के सहारे हम लोग को पानी मिल रहा है खेत पटवन के लिए। कुछ किसान लोग के कहने का मतलब है कि आप ऊपर सिंबल देख कर कर उपेंद्र को, चाहे कोई भी। हाँ हाँ, उपेंद्र जी पर तो विश्वास ना है, विश्वास कहाँ रहेंगे, कहाँ जाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आ जाइए, आप इधर आ जाइए, किसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं? आप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे यहाँ कोई भी नेता हो। अच्छा, हम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। ऊपर आप जो देख रहे हैं, नीचे कोई भी खड़ा हो जाए, उन्हें सपोर्ट, भले ही आप नाराज रहे लेकिन प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। मैंने खुल करके आप सपोर्ट किसे करना चाहते? नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना चाहते हैं खुल करके। अब पवन सिंह का जो काफिला आया था, उसको काफिला से मतलब नहीं, हम प्रधानमंत्री को बनना चाहते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, बीजेपी के समर्थन जो होगा उसी को वोट देंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मिनट ठाटू जी, आप लोग को तो वोट देना नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइए, किसे आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं?
हम लोग देखिए, हम लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, अभी एनडीए के साथ हैं हम लोग। जी जी, एनडीए बहुत अच्छा विकास कर रहा है, समझे ना, और उसी का हम लोग वोटिंग करेंगे कोई भी कैंडिडेट आ। आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? हम तो पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे। पवन सिंह को? आखिर पवन सिंह को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? नया उम्मीदवार हैं जी, इसके चलते। ऐसे तो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, लेकिन उम्मीदवार के चलते। मगर आप थोड़ा सा इधर भी देख रहे हैं, मोदी जी भी देख रहे हैं, और इधर और आप पवन सिंह, आप इधर भी इशारा कर रहे हैं, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, बड़े भाई हैं तो जिसे मैंने बड़े भाई दे रहे हैं मोदी जी को। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जी, मोदी जी ही रहे तो आप देंगे पवन सिंह को? हाँ, पवन। ऐसा का पवन सिंह थोड़े जान रहे हैं कि क्या है, उपेंद्र कुशवाहा बाद में ना जा सकते हैं मोदी जी के एंटी में। ये सब नाच गान पर थोड़ा ज्यादा विश्वास करने वाला लड़का, समझे ना जी। हाँ, ये सब थोड़ा, ये सब ज्यादा देखता है। जीत जाएंगे तो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, भरोसा तो नहीं है, जीत करके भी इधर से उधर चल जाएंगे। ये निर्दलीय है पवन सिंह, हो सकता है कि फिर बीजेपी में चल जाए जीत करके भी, नया उम्मीदवार है इनके बारे में। मगर आप लोग घर से दौड़े हुए पवन सिंह को देखने के लिए आए? तो कलाकार थे ना, इसके चलते देखने के लिए। कलाकार थे, कलाकार थे इसके। अच्छा, क्या क्या बोल रहे हैं भैया से बात कीजिए ना, आप बोलिए ना। देखिए, बोलो बोलो, जब बुलवाते हैं तो पूरा बोलो। अरे हम लोग जैसे रोकने आए कि उम्मीदवार जो होता है कम से कम 5 मिनट रुक के बात तो जनता से कर सकता है ना। तो अब जनता से बात नहीं की? कहाँ किए वो, मैंने आए और तूफान की तरह चले गए, ये थोड़े ना होता है उम्मीदवार का मतलब। गाँव में कम से कम 5 मिनट इनसे बात करते, कोई और सीनियर था उनसे बात करते, उनको पता चलता की हाँ यहाँ का क्या मत है, तब ना पता चलता की हम आए हैं वोट लेने। चलिए चलिए, अभी तो नया चेहरा ही है। जी जी हाँ, कोई जैसे देखिए अभी इंडिया में दो ही, इंडिया और एनडीए, समझे ना, दो चीज को। लेकिन तो चलिए, हाँ मोदी, और सब लोग आजकल मोदी के देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं सब लोग। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।